ॐ ब्रह्म देवाय नमः। ॐ ब्रह्म देवाय नमः। ॐ ब्रह्म देवाय। आंखें खोलिए मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं आप? प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा करें आपको यहां आने का कष्ट दिया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं मुनिवर, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। मैंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को कविताओं और छंदों में लिखने की तैयारी की है, लेकिन मुझे उसको लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जरूरत है जो मेरी सोचने और बोलने की गति से बिना रुके उसे लिख सके, क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं छंद भूल जाऊंगा और ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप कैलाश पर जाइए और भगवान शिव शंकर से मिलिए, वो ही इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ऋषि व्यास यहां? भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती को भी शत शत प्रणाम। आपका कल्याण हो मुनिवर। भगवान, अब हमें अपनी दिव्य दृष्टि से आपके यहां आने का कारण मालूम हो गया है। चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का हल है हमारे पास। गणेश। बालक गणेश? हाँ मुनिवर, हमारा बाल गणेश। नंदी जाओ, बालक गणेश को बुला कर लाओ। जो आज्ञा भोलेनाथ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। मुनिवर आप यहाँ? बेटा गणेश, मुनिवर एक काव्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले की जरूरत है, और तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। चले मुनिवर। चलिए। प्रणाम प्रभु। प्रभु कहो ना उनसे। मुनिवर जी, ग्रंथ तो मैं आपका लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त हो सकती है? आप बिना रुके मेरे लिखने की गति से बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप जरा सांस लेने के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है गौरी नंदन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी छंद बोलूंगा उसका मतलब समझने के बाद ही आप उसे लिखेंगे। समझने के बाद? इसी बहाने जब मैं थक जाऊंगा तो मैं गणेश जी को कोई मुश्किल छंद दे दूंगा, जिसका मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तब मैं सांस लेकर आराम कर लूंगा। मुझे स्वीकार है। सोच क्या रहे हैं मुनिवर, शुरू करें? शुरू करते हैं बाल गणेश। ये लीजिए।
इस तरह तो ग्रंथ पूरा ही नहीं होगा। गणेश, बेटा गणेश, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुशक जी प्रभु, आखिर ये ग्रंथ पूरा हुआ। लीजिए मुनिवर, ग्रंथ पूरा हो गया। गणेश जी, ये ग्रंथ आपकी बुद्धिमानी, लगन और त्याग से ही पूरा हो पाया है। आपके सिवा पूरे विश्व में ऐसा और कोई नहीं जो इसे पूरा कर पाता। धन्यवाद गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गणपति बप्पा।